वेलकम बैक ओवर हियर. और आज की वीडियो फाइनली इतनी ट्राई करने के बाद मैंने फाइनली बना दी, वो है ग्राउंड स्टाफ जॉब के बारे में. क्योंकि हमेशा वीडियो पे कमेंट्स आते थे या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह या फिर ईमेल हमेशा आते रहता था कि मैम प्लीज़ ग्राउंड स्टाफ के बारे में बताएं. ग्राउंड स्टाफ के बारे में जो है ऐसा है कि मैंने जो भी इंटरनेट से निकाल सकती थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली. जो भी ग्राउंड ड्यूटीज़ में जो भी फ्रेंड्स वगैरह है या फिर वर्क कॉलीग्स वगैरह उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली. उसके बाद में व्हाटएवर आई नो जो भी मुझे बेस्ट ऑफ नॉलेज पता है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ. इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ भी पता है गाइस वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट. ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि जब हमारे दिमाग में ये आता है ना कि एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है, पायलट या कैबिन क्रू. बट सिर्फ ये दोनों की वजह से जहाज़ नहीं चलता है, इसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ विच जिनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से बिजनेस चलता है एयरलाइन इंडस्ट्री का. वो है ग्राउंड स्टाफ है और सिक्योरिटी वाले स्टाफ है, एयरपोर्ट पे जो चेकिंग करने वाले हैं वो है. वरना तो अगर चेकिंग वगैरह नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी एयरपोर्ट पे, तो कोई भी आएगा प्लेन हाईजैक कर लेगा, एनीथिंग कैन हैपन, राइट. दैट्स व्हाई अपार्ट फ्रॉम कैबिन क्रू देर आर अदर जॉब्स एज वेल एट द एयरपोर्ट. उन सारे लोगों को कहते हैं ग्राउंड स्टाफ. अभी ग्राउंड स्टाफ में जो है एयरलाइन स्पेसिफिक है और जॉब स्पेसिफिक है. अगर एयरलाइन स्पेसिफिक देखा जाए तो एयरलाइन वाले जो है उनके खुद के ग्राउंड स्टाफ हायर करते हैं उनके अपने काम के लिए. लेकिन उनके अलावा भी अगर देखा जाए तो कितना सारा है ग्राउंड स्टाफ में. केटरिंग करने वाले होते हैं, क्लीनिंग वाले होते हैं, लोडर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह, सो मेनी थिंग्स आ जाए. अगर आप एक एयरपोर्ट पे कंसिडर करोगे तो इतने सारे टाइप के जॉब है, ठीक है. लेकिन ये सारे जो भी बाइफोकेशन आपको बताया मैंने वो जो है उनकी अलग कंपनी हायर करती है. जैसे सिक्योरिटी की अलग कंपनी है, क्लीनिंग की अलग कंपनी है, हर चीज़ का अलग है. हाउएवर जो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ होते हैं उनके दो बाइफोकेशन है, ठीक है. जब हम ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं तो एयरलाइन जो है दो टाइप की चीज़ें रखती है उसमें, एक होता है सिक्योरिटी और एक होता है कमर्शियल. ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी देन दैट मींस सिक्योरिटी वाले लोगों की ये ड्यूटी है ग्राउंड स्टाफ में कि वो लोग रैम्प यानी कि जो एयरक्राफ्ट या हमारे हवाई जहाज़ तक के जो भी हमें स्टाफ ले जाते हैं, या फिर आप एक हवाई जहाज़ एंटर करने से पहले अपना जो बोर्डिंग कार्ड जिन्हें दिखाते हो तो वो जो चेकिंग करते हैं वो सब रहते हैं सिक्योरिटी वाले स्टाफ होते हैं. वो सब जो है चेकिंग करते हैं आपकी, ठीक है. उन्हें रैम्प स्टाफ भी कहा जाता है, ठीक है. दूसरा जो है कमर्शियल स्टाफ है. कमर्शियल स्टाफ मतलब आप टिकेटिंग में हो सकते हो, रिजर्वेशन में हो सकते हो, जो जहाँ पे टिकट बुक होती है वहाँ पे हो सकते हो, या फिर जहाँ पे बोर्डिंग पास आपको दिया जाता है वहाँ हो सकते हो. सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट. ओके, सो सिक्योरिटी मतलब एक चीज़ दिमाग में रख लो, सिक्योरिटी हर चीज़ चेकिंग से रिलेटेड है. खाना पीना, आपका बैग वगैरह, या आपके खुद का एक हवाई जहाज़ एंटर करने से पहले जो भी होता है वो सब है सिक्योरिटी वाले ग्राउंड स्टाफ, ठीक है, जो कि एयरलाइन हायर करती है. इसके अलावा सेकंड चीज़ है कमर्शियल. आपने दिमाग में याद रखना है कि जो भी चीज़ में सिक्योरिटी यानी कि चेकिंग नहीं होती है, यू नो रिजर्वेशन वगैरह, पेपर वर्क एंड ऑल दैट, दैट इज़ कमर्शियल. ओके, अभी एयरलाइन डिसाइड करती है कि उन्हें आपको कमर्शियल में डालना है या फिर आपको सिक्योरिटी में डालना है, ठीक है. या फिर जब भी एयरलाइंस की जो है ओपनिंग्स आती है ग्राउंड स्टाफ की तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ओपनिंग कमर्शियल के लिए आई है या फिर कमर्शियल सॉरी सिक्योरिटी के लिए आई है, तो आप लोग जो है अकॉर्डिंगली उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू गाइस इट इज नॉट एन ईजी जॉब, आसान जॉब नहीं है. मैं आपको बता दूँ कि जब हवाई जहाज जब भी लैंड होता है या टेक ऑफ होने वाला है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के ग्राउंड स्टाफ बंदे जो रहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. चाहे बारिश रहो, धूप रहो, गर्मी रहो, कुछ भी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है. उनको उनकी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना पड़ता है. हम लोग प्लेन के अंदर होते हैं, हवाई जहाज़ में ना बाहर पानी, बारिश, धूप कुछ भी हो, हम लोग लैंड कर लिए लेकिन ये लोग पहले से रेडी होते हैं. धूप में रहेंगे तो धूप में रहेंगे, बारिश में रहेंगे तो छतरी लेकर, रेनकोट लेकर, यू नो व्हाटएवर, बट वो लोग को वहाँ रहना होता है. या कितनी बार तो ये होता है या मैं जब मिलती हूँ ना उनसे, जब वो लोग आते हैं तो मैं उन्हें बोलती हूँ सर सर पानी पी लो, मैम पानी पी लो थोड़ा, यू नो वो लोग इतना मतलब मेहनत करनी पड़ती है उन्हें. ओके, जस्ट टेलिंग यू कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है.
अपार्ट फ्रॉम दैट रिजर्वेशन तो गाइज आपको आइडिया होगा, जो भी टिकटिंग वगैरह बुक करते हैं मोस्टली इन सब चीज़ों का हो जाता है। अभी जो है आप लोग मुझे पूछते रहते थे कि ग्राउंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट बताओ, रिक्वायरमेंट बताओ, वो मैंने इंटरनेट से निकाल ली है गाइज, और थोड़ी बहुत जो है फ्रेंड से पूछी है मैंने। अभी जो हिसाब से मुझे पता चला है ग्राउंड स्टाफ के लिए, जो मैंने अभी जो भी आपको डिटेल्स दिए जो जॉब के बारे में, उसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है इन ऑल दी एयरलाइंस। ओके, सो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो साइड में एक्सटर्नली, तो मीनवाइल आप कुछ भी छोटी मोटी जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, तो अब मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगी, ठीक है। सो ये चीज़ है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। देन व्हाट यू नीड इज योर, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी मेन चीज़ें चाहिए होगी, आपके ग्रेजुएशन 10, 12th और जितने भी बीच में 12, 13, 14 की सबकी मार्कशीट्स चाहिए होगी, और आईडी प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है। नाउ दिस इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए आते हैं अब एज के ऊपर। एज का देखा जाए तो हर एयरलाइन में जो है एज जो है उनकी वेबसाइट पर लिखी होती है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी ग्राउंड स्टाफ के लिए, किसी भी एयरलाइन के लिए, तो आप एज पढ़ लो, अकॉर्डिंगली अप्लाई कर लो। हाइट वेट doesn't matter, doesn't have any kind of requirements, pimples, clear skin, cabin crew की तरह इसमें ये सब requirement नहीं है। इसमें requirement जो है सिर्फ और सिर्फ है educational qualification which is graduate and communication skills obviously, fluency in English. Last thing, चलिए आते हैं salary पर। Now guys, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ किसी से सैलरी पूछना या किसी की सैलरी डिस्कस करना इज प्रोफेशनली जो है एक अच्छी बात नहीं है, ओके। तो मैं उनकी एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता पाऊंगी, बट यू नो आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता सकती हूँ कि ग्राउंड स्टाफ वाले जो है अर्न कर लेते हैं अराउंड 20 to 25,000। ओके, अगेन मैं किसी की सैलरी नहीं डिस्कस कर रही हूँ गाइज, एक अमाउंट बता रही हूँ जिनके बीच में वो शायद अर्न करते होंगे, क्योंकि मैंने किसी से सैलरी पूछना ठीक नहीं समझा। दे मस्ट बी अर्निंग अराउंड 20 to 25,000, और अगर आप कोई इंटरनेशनल एयरलाइन वगैरह के ग्राउंड स्टाफ हो तो शायद आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये था बेसिकली ग्राउंड स्टाफ का रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और सैलरी वगैरह भी जो है मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिए गाइज। और एक है चीज़, यहाँ पे आप जब भी अप्लाई करते हो ग्राउंड स्टाफ के लिए तो उनकी वेबसाइट पे डिटेल्स लिखी होती है, तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी एयरलाइन की ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करना है, अकॉर्डिंगली आप जो है अपने आप को प्रिपेयर करो और आप फिर इंटरव्यू के लिए चले जाओ। और ग्राउंड स्टाफ बनने के बाद अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो और अगर आप कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो तो ऑफकोर्स यू कैन गो इन फॉर एन IJP विच इज़ कॉल्ड एन इंटरनल जॉब पोस्टिंग, ओके। सो ये बताना था मुझे ग्राउंड स्टाफ के बारे में। लास्ट चीज़, मुझे बार बार मैसेज आते रहते लोगों के कि मैम दी प्लीज़ बता दो 12th के बाद में ग्राउंड स्टाफ में जा सकते हैं कि नहीं। सो गाइज मैंने बताया, दोबारा बता रही हूँ कि नहीं है। हाउ एवर सिर्फ एक चीज़ जो है आपको एविएशन जो एयरलाइन में मिल सकती वो है जो रिजर्वेशन कॉल सेंटर होता है, जो जिन्हें फ़ोन करके बुकिंग करते हैं हम, उसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं। उसके लिए अगर आप 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फ़ोन रिजर्वेशंस, ओके। फ़ोन जो एयरपोर्ट पर नहीं बैठते ये लोग, इनकी अलग से ऑफिस होती है, ओके, हेड ऑफिस है जहाँ पे भी एयरलाइन उनको रखे वहाँ पे, सिर्फ उसमें 12th पास की रिक्वायरमेंट है। तो आप उसके लिए चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने के ज़्यादा चांसेस है। एंड देन उसके बाद आप कैबिन क्रू वगैरह जो भी बनना है बन जाओ, ओके। सो गाइज ये था मेरा जो भी इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकती थी। इसके अलावा अगर आप कुछ और वीडियो बनाने के लिए बोलना चाहते हो प्लीज़ कमेंट कीजिए गाइज, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आई विल सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय।